अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूं एक बहुत ही यूनिक गैजेट की गैजेट एक ही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसकी आज अनबॉक्सिंग करूंगा। बहुत ही यूनिक गैजेट है, बहुत ही मैंने देखा और एक और बंदे ने भी मंगवाया था तो उसने मुझे नहीं दिया तो मैंने अपना मंगवा लिया। तो आज हम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और उसको चेक करेंगे और देखेंगे उसके अंदर से क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, क्या हम उसके साथ कर सकते हैं और क्या हम उसके साथ करेंगे। तो दोस्तों बेसिकली आज मैं अनबॉक्सिंग करूंगा स्नेक कैमरा की। आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा इसको, शायद देखा होगा नहीं देखा होगा, लेकिन इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा और ये क्या कुछ कर सकते हैं आज हम वो देखेंगे और इसके साथ साथ इसकी अनबॉक्सिंग होगी और इसकी प्राइस जानेंगे और कहाँ से आप परचेज कर सकते हैं वो जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार आज की वीडियो का लाइक टारगेट, तो आज की वीडियो का लाइक टारगेट वही 500 लाइक्स, तो 500 लाइक्स बस हो जाने चाहिए, मुझे नहीं पता, बस कर दो। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले इसी तरह की अनबॉक्सिंग की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। अनबॉक्सिंग में इतनी कोई ख़ास बात नहीं है, जस्ट आपको ये दिखाना था कि ये किस तरीके की पैकिंग में भेजा गया है। तो बेसिकली ये इस डिब्बे में भेजा गया है, इसको मैंने पहले ही खोल लिया था ताकि मैं कंफर्म कर सकूँ कि मेरा ये कैमरा डैमेज तो नहीं है या कुछ मसला तो नहीं है। तो चलिए मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आया था। इस तरह के डिब्बे में था और इसके ऊपर थोड़ा बहुत उन्होंने रैप किया हुआ था, बबल रैप जिसको कहते हैं, तो बबल रैप के अंदर ये चीज़ मौजूद थी। अब ये डिब्बा खाली है, इस डिब्बे को खोल के मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या कुछ हमें देखने को मिला था। तो इसको ऐसे मैं खोलता हूँ तो सबसे पहले इस तरह सारे का सारा सामान इसका बाहर आ जाता है, इसके अलावा डिब्बे में कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये एंडोस्कोपी कैमरा है जो मेन कैमरा और हमारे पास होता है, और उसके साथ ये इसका जो मैनुअल है जो मे भी कोई भी नहीं पढ़ता, मैं भी नहीं पढ़ूँगा, और इसके साथ साथ ये एक स्प्रिंग है जो आप अगर आपकी कोई चीज़ गिर जाती है किसी जगह में किसी पाइप के अंदर तो ये लगा के आप इस कैमरे को यूज़ करते हुए उस चीज़ को बाहर निकाल सकते हो। और ये मे बी अगर आप इसको कंप्यूटर के साथ लगाना चाहते हो तो ये उसके लिए है, आप इसको यहाँ पे लगा के आगे इसको साथ कंप्यूटर कनेक्ट करके कोई भी चीज़ वहाँ पर भी देख सकते हो। आई होप आपको ये सारा पता चल गया होगा। अब चलिए जल्दी से जाके इसको टेस्ट करते हैं और किसी सुराख वगैरह के अंदर इसको डाल के देखते हैं कि क्या कुछ हमें वहाँ पे दिखता है।